आदिवासी वनांचल देवरबेली में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। पुलिस ने दर्ज की FIR। लांजी, प्रधानमंत्री आवास निर्माण को लेकर देवरबेली चौकी के ग्राम बीजागढ़ में कुछ लोगों के द्वारा एक परिवार को प्रताड़ित करने मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसमें शनिवार 4 जून को विवाद करते हुए बुजुर्ग महिला सहित दो महिलाओं से जमकर मारपीट करने और एक पुरुष के पीछे लोहे की राड लेकर मारने के लिए दौड़ने की बात फिलहाल सामने आई है। वहीं मारपीट की घटना का वीडियो भी मोबाइल के द्वारा बनाया गया, जिसके बाद पुलिस थाना लांजी पहुंचे पीड़ित परिवार ने घटना की शिकायत दी और पूरे प्रकरण को देखते हुए पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। देवरबेली चौकी के बीजागढ़ में हुई मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। वहीं इस मारपीट को लेकर पीड़ितों के बयान भी सामने आए हैं। वहीं इस मामले में प्रार्थी पक्ष की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ FIR और अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। घटना के बारे में पीड़ित पक्ष की फरियादी महिला ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि वह बीजागढ़ में रहकर मजदूरी का काम करती है और शनिवार 4 जून को सुबह 8 बजे घर की बाड़ी में काम कर रही थी। तभी उसके पड़ोसी श्याम कुंवर और उसके साथ अन्य महिलाएं आई और कहा कि मेरी ज़मीन में ईंट रख रहे थे, तो मैंने ईंटा रखने से मना की, तो तीनों ने गाली गुफ्तार कर हाथ मुखों से मारपीट किए, जिससे उसके दाहिने हाथ, पीठ आदि में चोट आई है। फरियादी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि तीनों ने धमकी दी है कि दोबारा हमको ईंट रखने से मना की तो जान से खत्म कर देंगे। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ फरियादी महिला ललिता यादव की शिकायत पर अपराध क्रमांक 203/22 के तहत धारा 323, 506, 506, 34 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। मामले की अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण अतुल सिंह सोलंकी को सौंपा गया है। MPCD 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। नाम है माताराम, आप कहाँ रहते हैं? बीजापुर। क्या हुआ था आज आपके साथ? ईटल रचे था मोर जगह में झंड रचे हो मोर 30-35 साल के मोर कब जो है अब आधा ने तो धर ली है वहाँ तो लगा भट्टा ऐसे कही की। कौन बोले? मैं बोला तो नहीं। किसको बोले आपने? उन भट्टा रचे हैं। कौन थे भट्टा रचने वाले? पासे में ही बाल नाम पता राम किशन बाल किशन बाल किशन। फिर उसके बाद क्या हुआ? मारो रे गाड़ो रे इनकर घर लटोरो रे टोरो रे दौड़ो रे दौड़ो रे आज नहीं बचान नहीं बचान था मोल पटक लिंग कहाँ यार बगत बगत गीच घर में लुकीच ये कहाँ लुक एक घर लटोरो टोरो सब मरद लोग न आई माई जब दौड़ी नहीं अब मोल ढलगा के जहाँ इंटर रचे तहाँ ढलगा दी न मार तहाँ आपको भी मारे कर हाँ सब मारी है। फिर क्या किया? हाँ फिर ये लो जाके देख सुने से मोर बहू ला मार डाल का कहीं कि कहाँ ये लो भी पटक ले रहा था कौन मर गया कहीं कि कहाँ ये लो छेड़ दा मोला फिर घर की दुआरे में पटक के मारे हैं इस दहन दहन के। क्या नाम है आपका? रामलाल, रामलाल यादव। आपने जो रिपोर्ट करवाए हैं किस संबंध में करवाए हैं? ये रिपोर्ट अभी वो मेरे तो पहले का है सर, वो क्या है मैं मेरे पी एम आवास मकान आया। अच्छा। मैं पीएम आवास मकान पुराने मकान को तोड़ के वहाँ मकान बना रहा था, तो फिर ये लोग शिकायत कर दिया फारिस्टा ने। फारिस्टा वाले लोग आए और आने के बाद में जांच पड़ताल किया और फिर मेरे को लेके आ गए रेंजर ऑफिस। रेंजर ऑफिस में आ गए और यहाँ बना दिए फिर मेरे केस। बनाने के बाद जिला जेल ले गए बालाघाट। बालाघाट में 4 दिन और 3 रात बालाघाट जेल में रहा, फिर जमानत करा के वहाँ से आया हूँ। आने के बाद में वहाँ से आने के बाद में आ गया करके बोल रहे थे और फिर पानी दोनों साथ में बोर कराए थे उसको पानी को बंद करा दिया। पानी को बंद कराने के बाद में फिर अब इसको कैसा करे जाए करके फिर अब बोले मकान को सिलाब करके देखना अब तब बताएंगे बोले। फिर मकान को सिलाब करने के लिए फिर मैं ऐसा कौन बोल रहा था? वो गांव वाले बोल रहे थे। कौन थे वो? राम किशन है, किशनु है, पंडा जीवन पंडा है, रोसेलाल है और चमरूलाल है। और फिर उतना करने के बाद में फिर मैं फिर सिलाब डालने गया उस दिन, तो फिर वो पूरे अटवारी पटवारी से लेके आ गए और वो पटवारी आके दन 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 घुस गए और वहाँ फिर
वो देखने लगे नक्शा उक्शा, और फिर उसके बाद आधार से बोले पटवारी हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते बोले। अब वहाँ से हो गए, फिर अब इधर आ गए मारपीट वाली बात। अब बोले अब इनका घर तोड़ो, इनका घर तोड़ो और इनको भगाओ यहाँ से, ऐसे बोल रहे हैं। फिर आज क्या हुआ? फिर आज सर मैं तो घर में नहीं था, मैं देवरबेली चले गया था, वहाँ से मैं बेलगांव गए और बेलगांव ले आते आते मेरे को झगड़ा का आवाज आया, झगड़ा का। तो मैं गया थोड़ा घर के अंदर और घर की तरफ, और वहाँ देखा बहुत भीड़, तो मैं कहूँ अरे ऐसा हो रहा है पूरे पूरे हैं, तो मैं पुलिस चौकी में जाके कुछ सूचना लगा दूँ करके वहाँ से निकला। और मेरे पीछे में 6-7 लोग, रोसे लाल है और चमरू है, किसनू है और रिखे है और चमरा है, ये पूरे लोग ने सलाख लेके, जो सिलाब का राड होता है वो राड लेके दौड़े मेरे पीछे। मैंने एक्सीलेटर बढ़ाया और सीधा भग गए चौकी देवरबेली, और फिर वहाँ से पुलिस वाले 4-5 लोग लेके आया वहाँ से। और आने के बाद वो लोग फिर बोले तुम्हारे, तुम तैयारी करो, लांजी निकलो, लांजी थाने में जाओ और तुम्हारे जाते तक के हम रहते हैं, ऐसे करके बोले वो लोग। फिर हम वहाँ से निकाले, उसके बाद में फिर हम लांजी रिपोर्ट कम्प्लेन। तो ये आपकी माता जी है क्या? माता जी है मेरा। इनको भी मारपीट की? इसको बहुत मारे हैं सर, इसको बेहोश था, इसको पानी उनी पिला के हम गाड़ी में 2 जन मिल के बैठाए इसको मोटरसाइकिल। तो आप क्या चाहते हैं? सभी उचित कार्रवाई करे जाए, इन लोग हम एक घर के रहते हैं वहाँ, ये हमको कब ना मार दे, ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो कब ना मार दे हमको घुस के। हम क्या, कहाँ के निवासी हैं? आज आपने जो रिपोर्ट करवाई है वो किस संबंध में करवाए हैं रिपोर्ट? वो हमारे जगह में वो ईटा रचत रहा है मन, तो हम बोले कि वो ईटा मत रचो, हम आटा मिर्ची लगा रहा वो जगह में वो ये ईटा रचत रहा है, तो मैं कहूँ ईटा मत रचो हमारे जगह में, जहाँ भी आटा मिर्ची लगा वहाँ तुम्हारे जगह में रचो, ऐसे बोले मैं। तो उन बोलते कि हमारे जगह है तो का कर लेबे मोर, तैसे कर लेबे तो वैसे कर लेबे, ऐसे बोलन लगी सो। तो हम बोले कि हम भाटा मिर्ची लगा मत लगाओ, तुम बाहर जगह में अपन जगह में लगाओ भट्टा, ऐसे बोले। तो कुछ के कुछ तोला देख लेबो कहा, तुम हम तोला देख लेबो कहा, तुम ऐसे कौन बोले ऐसा? वो हम घर तीर के। क्या नाम है उनका? डिलेश्वरी और ये बाल किशन। अच्छा हाँ। फिर ओकर बाद में फिर उन पूरे परिवार आ गए, पूरा परिवार ला बुला लीस की मारत है कहके, फिर आईन और पूरा मोर सास ला भी मारिन चुंदिया चुंदिया के ओला मारिन, ओकर बाद में मैं गेहूँ ला छोड़ाएला, ओकर बाद में मोला भी मारिन मारिन, ओकर बाद में कहते तू हट जाइ हले, कहते तोर कब्जा ये तोर मन के चलिए सर अपन देवरबेली हम चल दे कही पंचायत में, कहते यहाँ होना नहीं तो जहाँ जहाँ दहियान रखे वहाँ वहाँ तो जगह यह करते, तो हमारे कई साल के कब्जा, 30 साल के कब्जा है वो जगह, वो 30 साल के कब्जा है, ओकर बाद में हम 3 सालों के टट्टा के घर में हैं, अब ओकर बाद में वो जो सरकार जगह घर दे से वो घर ऐसे तो हम घर बनाए, तो घर के कारण घर ला हटाओ टोरो, वो घर ला टोर के रखो हम तुम लोग जान से मार बोसे कथे पूरा मारे ला रहे हैं चुंदिया चुंदिया के मारिन है। तो उस जमीन का केस और कहीं चल रहा है क्या अभी? हाँ चल रहा है ना, फॉरेस्ट वाले घर के आदमी अंदर कर दी, पेशी भी चालू है। तो उसके बाद में के न्यायालय में चलने के बाद भी आपसे झगड़ा कर? हाँ फिर भी झगड़ा कर रहे थे। और क्या घर तोड़े घर तोड़ बोझ से कथे? कौन कौन है जो झगड़ते हैं? मारपीट करने के धमकी देते हैं और तुम ना मार डार बो इसे कथे। कौन कौन है ऐसे बोलने वाले, कितने लोग? वो कोंगड़ू है और रोसू है और बाल किशन है, राम किशन है, किस्नु है और ये चमरा है, चमरा है और घर के सभी लोग, उनके पूरे परिवार है। तो आपने फिर आज लांजी थाने में आकर के रिपोर्ट दर्ज करा? हाँ रिपोर्ट दर्ज करवाएं। ठीक है।